नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसीसी कर से। आप दोस्तों इस समय जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एग्जाम 27 फरवरी को आज आपने 12 से 2 के बीच राजस्थान के 270 परीक्षा केंद्रों पे दी है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन सीएलसीसी करके यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। क्यों, सही कह रहा हूं? बोलो, पेपर कैसा रहा? मजा आया? देखो, ओमआर सीट मिली है ना, एक इतना सुंदर सा पेपर आपके पास आया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपने पहली बार दी। एक बात ध्यान चाहूं बच्चों, गार्जियंस आप भी इसको देख रहे हैं, सुने, ये एग्जाम केवल स्कॉलरशिप का मकसद नहीं होता हमारा। इस एग्जाम का मकसद केवल स्कॉलरशिप नहीं है, केवल एडमिशन नहीं है। इस एग्जाम का मकसद है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं में ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओमआर सीट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होती है, क्यों साहब नीट और जेई या कोई भी एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव करीब करीब एग्जाम्स आजकल कहाँ होती है, ओमआर पे होती हैं। तो आप सोचो कि एक 5वीं क्लास का बेटा बेटी आज ओमआर को भर रहा है, हो सकता है उसे गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है एग्जाम को ढंग से नहीं दे पाया होगा, फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे भविष्य की तरफ। तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, हर क्लास का अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन है। पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें, आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि हमने सॉल्यूशन गलत दे दिया या की गलत है, तो प्लीज आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, प्रोक्यूशन नंबर लिख के मेरे इस नंबर पे 9928733888 व्हाट्सएप कर दें। आप लोग बोलो हाँ या ना, और 27 तारीख की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी। इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को 9 बजे हमारी साइट पे, साइट कौन सी, dtac.clcparivar.in, यानी इस एग्जाम की जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहीं रहेगी। अब फिर से एक बार स्लाइड देख लें, dtac.clcparivar.in। ओके, एग्जाम हो गई, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, डाउट खत्म हो गए, आंसर मिला लिए, नंबर जोड़ लिए। ओके डियर, रिजल्ट कब आएगा? ध्यान आपको, रिजल्ट आएगा 3 मार्च को शाम को 5 बजे। हाँ, वो इस साइट पे जाओ, देखो आप साइट पे जाओगे, ये रिजल्ट की साइट खुलेगी 3 तारीख को 5 बजे। देखो ये रहा, अपना रोल नंबर फीड करो, अपना मोबाइल नंबर फीड करो, अब पुरस्कार कब दिए जाएंगे, लो लिस्ट पड़ी। वैसे आपको पता है, आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखा होगा ना ये किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं, बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे। हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद की डेट्स हम होली के बाद देंगे, क्योंकि आपको पता 5 मार्च से लेके 16 मार्च तक लगातार मैं फंक्शन कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद आ रहा हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊँगा। नो डाउट लोड रहेगा, भागदौड़ रहेगी, लेकिन दोस्तों झोंपड़ी में बैठी खोपड़ियों को आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को तलाश कर आगे लेके जाना, मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवण गाँव में बैठे होंगे, मेरे जैसे बहुत से श्रवण को श्रवण सीएलसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का अभियान आखिरी सांस तक रहेगा मेरा। सीएलसी बाई चांस नहीं है साहब। आज के 26 साल पहले जब सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, माफी चाहता हूँ गलत शब्द काम ले रहा हूँ, अपने आप में कैरियर का स्टडी केस था ये। आज तो लोग नकल करते हैं यहाँ, आज तो चलते हुए बाजार में कोई भी अपने ठेला लगा लेता है, लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया, उस बीज की खुशबू है कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल सीएलसी के माध्यम से मेडिकल में जाता, आईटी में जाता, एनआईटी में जाता है। सीएलसी ना किसी की होड़ में बनी, ना किसी को तोड़ के बनी, सीएलसी मूल बीज है, एक विचार बीज है जो जमी फोड़ के बनी। और इसीलिए दोस्तों आज 270 गार्जियन, सब सोच के देखो, राजस्थान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एग्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है, अल्टीमेट पेपर, उसका रिजल्ट कब आएगा, आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप की देख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन, और हर जिले पर आकर, ऐसा नहीं कि एग्जाम काली फिर मैं आओ सीकर आ जाओ हमारे पुरस्कार लेने, क्यों भाई सीकर क्यों आओ, सीकर तो बाद की बात है, आपके जिले पर आकर आपका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। डेट और टाइम आप जरूर प्लीज वॉच कर ले। हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह में सभी मेरे अपने सादर आमंत्रित हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दी है उनको तो आना ही आना है, अन्य बच्चे भी, मोटिवेशनल सेमिनार भी होगा हमारा वहां, उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। वैसे इस कोरोना के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेशन से बहुत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे अपने जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान है ना, मैं डेली शाम को 6:30 बजे सीएलसी सीकर फेसबुक पेज, सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल और श्रवण सीएलसी मेरे जो पेज है उन सब पे 6:30 लाइव आता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज लेटेस्ट ही वीडियो से पहले ही हमारे भरतपुर के दो बहुत ही गांव के सिंपल से किसान भाई आए, उन्होंने कहा चौधरी साहब हम आपका लाइव देखते तो सिर्फ आंखों पानी आ गया। उस दिन पता लगा कि दोस्तों हकीकत ये है, भगवान कृष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी, यदि कर्म को मन से किया जाए
तो फल की इच्छा करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, फल भगवान अपने आप देता है, तो दे रहा सीएलसी को। ओके, वापस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है डियर, तो एग्जाम होगी, वीडियो सोल्यूशन देख लिया कि आ गई, 5 मार्च से 16 मार्च तक आपको फंक्शन में आना है। हाँ भाई, फंक्शन में आने के लिए, पुरस्कार के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र की कॉपी साथ लानी होगी। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप फंक्शन में नहीं आ पाए तो फिर पुरस्कार देने के लिए संस्था की व्यवसायिक जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेंडली जिम्मेदारी फिर भी हमारी है। हाँ, सीकर कभी आओगे तो दे दिया जाएगा। आप सोचो कि उदयपुर फंक्शन था, मैं वापस उदयपुर पुरस्कार देने आऊंगा, संभव नहीं हो सकता। हाँ, सीकर आने के बाद आप पुरस्कार बाद में दे सकते हैं। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, फंक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फंक्शन पे आपको पुरस्कार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, और नगद पुरस्कार के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। और इसके अलावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से अपील करता हूं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जीतना जानते हैं दोस्तों, जो जीना जानते हैं, रो काम सिखाती है सीएलसी, सीएलसी जीतना सिखाती है, जीना सिखाती है, ये सुनना देखना है तो आपका अपना श्रवण आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए। हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स, लोड रहेगा पर फिर भी एक जुनून है, फिर किसी झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को आई टीम भेजना है, फिर किसी एक सामान्य से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना है। साहब सपने बड़े हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, सपने बड़े हैं तो जगना ही पड़ेगा ना साहब। कलाम साहब की बात साहब बहुत अच्छी लगती है कि सपने वो नहीं होते सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए हम जिले जिले, गांव गांव, डगर डगर घूम रहे हैं। क्योंकि माफी चाहता हूं उन लोगों के तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है, गाइडलाइन भी है, श्रवण और सीएलसी तो उनके सारथी हैं, जिनके घर में ये नहीं पता आईटी मेडिकल क्या होती है, अर्थ का भी थोड़ा अभाव है, थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है, वो घबराए नहीं, आपके साथ आपका श्रवण है ना, आपकी सीएलसी है ना। ओके डियर, तो बहुत सारी बातें हैं, फंक्शन में आना है, किस दिन किस जिले में आपका फंक्शन है उस दिन आना है, 1.5 से 2 घंटे आपके साथ रहूंगा, बातें करेंगे। और मेरे सारे अपने, प्लीज प्लीज प्लीज, निवेदन है आपके भाई का, सारे अपने इस विजय उत्सव में, इसको नाम विजय उत्सव नहीं पर पुरस्कार वितरण समारोह बोल दो, चाहे विजय उत्सव बोल दो, आप सब साधन आमंत्रित। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता राज, प्रोजेक्ट टीम सीएलसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीटीएससी पेपर 2022। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच इज अवर नेशनल एनिमल। वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आंसर इज टाइगर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 टाइम, यानी 6 गुना ज्यादा रात्रि के समय जो टाइगर होता है वो हमारी तुलना में अधिक देखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 नंबर क्वेश्चन, विच बर्ड हैज आईज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से पक्षी के शीर्ष के अग्र भाग पर आंखें उपस्थित होती है, और उसका आंसर हम जानते हैं कि जो ओल होता है उसकी जो आंखें होती है वो शीर्ष के बिल्कुल अग्र भाग पर होती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है, आर्म्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस। यानी हमें बताना है कि जो आर्म्स होती है वो एक ही लाइन में अगर चलती है तो इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है कि उनमें क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक संवेदना होती है, एक सेंस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2nd आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक। यानी हमें बताना है कि हमारे स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव लिक्विड होता है वो किस नेचर का होता है। तो हम जानते हैं कि स्टोमक के अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने नाम ही ले लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी नेचर भी क्या हो जाएगी बच्चों, एसिडिक हो जाएगी। यानी यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। यानी डिजीज से हमें
कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बचाता है, तो देखिए विटामिन एंड मिनरल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज, देखिए विच न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल जो होता है वो हमें डिजीज से बचाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन ए पर्सन हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, यानी जो वॉमिटिंग और लूज मोशंस होता है, तो हम किसी भी पेशेंट को कौन सा एक सॉल्यूशन है जो उसे पिलाते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ORS का सॉल्यूशन है वो इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेनी बम्स प्रेजेंट ऑन द टंग कॉल्ड, यानी टंग के ऊपर जो टिनी बम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिससे हमें क्या आता है बच्चों, टेस्ट आता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू वी कम टू नो दैट फूड हैज गॉट स्पॉइल, कैसे जान सकते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन है बाय इट्स कलर, बाय इट्स टेस्ट, बाय इट्स स्मेल। देखिए तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है कि फूड के स्पॉइलनेस को ये बता हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ आम पापड़ इन आंध्रा, यानी आंध्रा में आम पापड़ का नेम क्या है, तो हम जानते हैं ममिदी टेंड्रा क्या होता है, आम पापड़ का नेम होता है आंध्रा में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वी शुड नॉट ईट जंक फूड, यानी हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो नॉट गुड फॉर हेल्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई कैन नॉट ए पर्सन सिंक इन द डेड सी, यानी डेड सी जो है यानी मृत सागर जो है, कोई व्यक्ति मृत सागर में क्यों नहीं डूब सकता, तो इसका रीजन हम जानते हैं कि डेड सी क्या होता है, साल्टी होता है, बहुत ज्यादा साल्ट होता है, तो एक्सेसिव साल्ट कंटेंट डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस, जब साल्ट ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, एक्सेसिव साल्ट कंटेन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वॉटर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेढ़ से हम जानते हैं बहुत ज्यादा साल्टी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। द साल्टीएस्ट वॉटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साल्टीएस्ट जो होता है वो कौन सा सी है, कौन सा जल निकाय है, तो वो अभी अभी मैंने नाम बोला डेड सी क्या होता है, सबसे ज्यादा साल्टीएस्ट होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी अंडरटुक मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, इन गुजरात, यानी हमें बताना है कि अहमदाबाद से कहाँ तक की, ये जो गांधी जी ने एक मोर्चा निकाला था वो अहमदाबाद से कहाँ तक का था, तो हम जानते हैं अहमदाबाद से दांडी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज यू पुट ए पूरी इन द हॉट ऑयल इट डैश एज इट पफ अप इट बिगेन टू, यानी हमें बताना है कि जब आप पूरी को गर्म तेल में डालते हो तो यह फूलने लगती है और फ्लोट होने लगती है। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या होएगी, वो सिंक होएगी, उसके बाद में क्या होएगी, फ्लोट होएगी, यानी यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों बी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है, सिंक एंड फ्लोट। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ सीड, यानी किसी भी सीड का आउटरमोस्ट पार्ट क्या होता है, तो हम जानते हैं सीड का आउटरमोस्ट पार्ट होता है सीड कोट, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सीड्स विच गेट डिस्पर्स बाय वॉटर, यानी हमें उस सीड का नाम बताना है जिसका डिस्पर्सन जो है वॉटर से होता है, यानी प्रकीर्णन उस सीड का, तो हम जानते हैं लोटस, यानी जो कमल होता है वो इसका क्या होएगा, एकदम करेक्ट आंसर होएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल लेक्स वर मेड इन अर्लियर टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव, यानी कौन से वाटर को सेव करने के लिए यहाँ पे कृत्रिम झीलें जो बनाई जाती थी, तो इसका आंसर होगा हमारे पास रेन वाटर, यानी जो रेन वाटर आता है उसको सेव करने के लिए हम लोगों ने लेक्स बनाने का आइडिया डिसाइड करा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन
है विच टाइप ऑफ रोड डस नॉट अलाउ रेन वॉटर टू सोक इन द ग्राउंड, यानी किस टाइप की यहाँ पे रोड जो होती है वो रेन वॉटर को सोक नहीं कर सकती। देखिए, मडी रोड, सीमेंटेड रोड, रॉकी रोड या नन ऑफ दीज, क्या आंसर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो सीमेंटेड रोड होती है वो कभी भी रेन वॉटर को सोक नहीं कर सकती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है जीनिया, कैक्टस, मनी प्लांट एंड पीचे प्लांट। तो हम जानते हैं कि जितने भी पीचे प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं, यानी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी ऐसे भी जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को सीधा खा जाते हैं, तो उसका ये आंसर क्या था? पीचर प्लांट था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3% ऑफ ऑल द वर्ल्ड वाटर इज, यानी 3% यानी टोटल वर्ल्ड के कुल वाटर का 3% क्या है? समझ रहे हैं आप लोग कि टोटल जो वर्ल्ड का वाटर है उसका 3% कौन सा वाटर है? क्या सोल्ट वाटर है, अनरीचेबल वाटर है, आइस है या फ्रेश वाटर? तो ध्यान रखना 3% सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाटर होता है बच्चों? फ्रेश वाटर होता है। यानी ओनली फॉर 3% वाटर ही है जो क्या होता है? फ्रेश होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज स्प्रेड, ठीक है। यानी हमारे को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लाइज जो होती है यानी जो मक्खियां होती है अगर किसी भी फूड पे बैठ जाए तो क्या हो सकता है? क्या उससे ट्यूबरक्लोसिस होगा, क्या उससे मिसल्स होगा, क्या कोलेरा या टिटनेस? तो हम जानते हैं कि फ्लाइज की वजह से कोलेरा डिजीज होने के चांसेस होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉमन वेल्स एंड स्टेप वेल्स, यानी जो कॉमन वेल्स यानी सामान्य कुओं और बावड़ियों के बीच प्रमुख अंतर क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता था वो आम कुओं में पानी खींचना पड़ता था, जबकि बावड़ियों में लोग सीढ़ियों से पानी तक पहुंचते थे। यही तो रीजन है भी बावड़ी क्या होती है। बावड़ी में क्या होता था? सीढ़ियां होती थी जिससे लोग वाटर को लेने पहुंचते थे। तो यहाँ पे सही बात है। अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो बावड़ियों में पानी को खींचना पड़ता था, नहीं, आम कुएं बावड़ियों से बड़े होते थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो कॉमन वेल होते हैं उनमें से तो हमें पानी को बाहर खींचना पड़ता था, जबकि जितने भी स्टेप वेल्स होते हैं उनमें ऐसी ऐसी क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी और यहाँ जाके कुआ होता था, तो हमें सीढ़ियों के थ्रू जाके इधर से पानी लेना पड़ता था। तो यही क्या इसका मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ओल्डन डेज पीपल यूज द बार्क ऑफ द ट्री टू मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया डिजीज से अगर हमें निजात पाना है, कोई अगर दवाई बनानी है, तो पुराने टाइम में हम कौन सा प्लांट यूज करते थे? तो बच्चों ध्यान रखना, एक प्लांट होता था सिनकोना। क्या प्लांट होता था? सिनकोना यानी ट्री होता था, प्लांट नहीं ट्री बोलेंगे हम। सिनकोना क्या है? एक ट्री है। इस सिनकोना ट्री की बार्क जो होती थी, यानी इसकी जो बार्क होती थी उस बार्क से एक मेडिसिन बनाई जाती थी, और वो मेडिसिन मलेरिया होने पे पेशेंट को दी जाती थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यानी सिनकोना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज, यानी हीमोग्लोबिन अगर
कम हो जाए यानी हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है? तो बच्चों ध्यान रखना, सिंपली इसका आंसर होता है एनीमिया, यानी एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड, यानी जो सीड होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो हम जानते हैं कोई भी फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर की साइड क्या होता है? सीड होता है। तो सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर, यानी यहां पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अवर बॉडी नीड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या रेस्ट जरूरी है, एक्सरसाइज है, या बैलेंस डाइट है? तो सारा सब कुछ एक बैलेंस्ड बॉडी के लिए जरूरी होता है, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी वर्क टुवार्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट एंड फोर्ट अगेंस्ट, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि गांधी जी ने कुछ जातियां थी तो उनको ऊपर लाना चाहते थे, उनका उत्थान करना चाहते थे, तो वो जो काम किया उन्होंने किसके खिलाफ किया, क्या ऐसी वजह रही होगी? तो वो वजह थी अनटचेबिलिटी, जिसकी वजह से गांधी जी को इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ वर्क करना पड़ा। तो किसके खिलाफ वर्क करना पड़ा? अनटचेबिलिटी के खिलाफ। चलिए तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंडिया इज फ्रॉम विच स्टेट, यानी जो उंडिया होती है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? अब उंडिया क्या है? द वेजिटेबल डिश है। तो हम जानते हैं कि उंडिया एक सब्जी टाइप व्यंजन होता है, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो हम सभी जानते हैं गुजरात से बिलोंग करता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल्स यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड, यानी सॉइल की अगर फर्टिलिटी हम इंक्रीज करनी हो तो हम कौन से केमिकल का यूज करेंगे? तो हम उन केमिकल्स को बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी एनिमल जब बाइट करता है तो कौन सा डिजीज हो सकता है? रेबीज, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग, नन ऑफ द अबव। क्या होगा बच्चों? रेबीज। क्या होता है? रेबीज हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस का जो लॉ था वो किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं ग्रीको जोहन मेंडल ने क्या दिया था, इस रूल, इस लॉ को दिया था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर कॉल्ड, फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हम उनको कहते हैं बच्चों आदिवासी। क्या बोलते हैं? आदिवासी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज यूज्ड टू गिव एज फर्स्ट एड फॉर बी स्टिंग, अगर आपके हाथ पे मधुमक्खी ने काट लिया, यानी मधुमक्खी ने अपना डंक मार दिया, तो आप घर के अंदर क्या ऐसा जो केमिकल है वो यूज करोगे? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हनी बी होती है, यानी जो बी स्टिंग होता है, यानी जो मधुमक्खी के डंक के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? मेथेनोइक एसिड। ओके, इसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड आया है? एसिड। तो इस एसिड को हमें दूर करना है। हमारे हैंड पे भी क्या आ गया? उस डंक के साथ एसिड आ गया। तो इस एसिड को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाहर से कोई बेस लगा दो। क्या लगा दो? बाहर से कोई बेस। अब बेस बाहर से क्या लगा सकते हैं? तो हम क्या लगा सकते हैं? अप्लाई ये पेस्ट फॉर बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। देखिए टूथपेस्ट में भी थोड़ा सा बेस होता है और बेकिंग सोडा तो खुद ही क्या है? एक बेस है। तो ये दोनों ही हम यूज कर सकते हैं अगर हमें मधुमक्खी डंक मार ले तो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो बच्चों सभी जानते हैं बिहू जो होता है वो क्या होता है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, यानी कब जो है वन अधिकार अधिनियम इम्प्लीमेंट करा गया। तो हम जानते हैं 2008 में ये जो अधिनियम है ये इंप्लीमेंट करा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पोलियो इज कॉज्ड बाय, देखिए बहुत सारी डिजीज होती है जो अलग अलग फैक्टर से होती है, तो कुछ डिजीज होती है जो वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, तो हमें एक पर्टिकुलर डिजीज दे दी जो क्या है पोलियो, और हम सभी जानते हैं कि पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, तो एक वायरस डिजीज है। चलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम, यानी अंकुरण के दौरान नवजात पादप यानी जो नवजात प्लांट होता है वो किससे फूड लेता है। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास सीड है, ये हमारे पास सीड है, अब इस सीड को एक बड़ा सा प्लांट बनना है, तो ये जो सीड है इससे एक छोटा प्लांट निकला, तो बताओ बिल्कुल ये छोटा सा जो प्लांट होता है वो फूड कहाँ से गेन करेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि कोटिलीडन्स होते हैं, क्या होते हैं कोटिलीडन्स होते हैं, जो इस छोटे से प्लांट को क्या देते हैं फूड देते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कोटिलीडन्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी कौन है इनमें से जो बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो हम जानते हैं कैल्शियम होता है, बोन में भी क्या होता है कैल्शियम और टीथ में भी क्या होता है कैल्शियम। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर थिंग, यानी प्लांट्स जो है लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है प्लांट्स क्या होते हैं लिविंग, कभी भी प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं बोलना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोटस प्लांट्स है जे स्पॉन्जी डश फ्रूट विच केन ऑन वाटर, यानी बोल रहा है कि जो लोटस प्लांट होता है वो स्पॉन्जी, उनके जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, तो वो वाटर के ऊपर क्या करेंगे, तो वाटर के ऊपर सिंपली क्या करेंगे फ्लोट करेंगे, और उनके जितने भी लोटस प्लांट के जो जितने भी लोटस के प्लांट जो होते हैं वो क्या होंगे स्पॉन्जी होंगे, वो वजह क्या है उसकी लाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा लोटस प्लांट हैज स्पॉन्जी लाइट फ्रूट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। इसका मतलब फ्रूट क्या हो गया बच्चों, फ्रूट क्या हो गया लाइट, जिस वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर, यानी हमारे पास कोई वाटर है और इस वाटर की हमें क्या बनानी है वेपर्स बनानी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर से वाटर वेपर का बनना बच्चों क्या कहलाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ कंडेंसेशन होगा इवेपोरेशन होगा सेडिमेंटेशन होगा या ऑल ऑफ अबव होगा। जानते हैं वाटर से वाटर वेपर का बनना क्या होता है इवेपोरेशन होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डज अवर हार्ट बीट बिकम फास्टेड, यानी कब अपनी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम सब जानते हैं कि जब रनिंग करते हैं तो हार्ट बीट जो होती है सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस, यानी जो गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जनरली जो ऑक्यूपेशन होता है वो लोगों का क्या होता है, तो हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो फार्मिंग
करते हैं, तो यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, फार्मिंग। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम, यानी स्टेम से जो उगने वाले प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, रोज भी स्टेम से हम उगा सकते हैं, मनी प्लांट को भी स्टेम से उगा सकते हैं, पोटेटो को भी स्टेम से उगाते हैं और मनी प्लांट को भी हम स्टेम से उगा सकते हैं। यानी यहाँ पे स्टेम से उगने वाले प्लांट क्या हो गए, रोज करेक्ट हो गया, मनी प्लांट भी करेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या है, पोटेटो भी करेक्ट हो गया, और इसके बाद में वापस क्या है, मनी प्लांट है। यानी यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ वन एंड टू। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्वस सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड, यानी पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे फॉर्म होता है। तो हम जानते हैं नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोलियो अफेक्ट्स द, यानी जब पोलियो हो जाता है तो उसके बाद अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो वो क्या होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे है लिम्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, आइज। तो हम जानते हैं लिम्स जो क्यों होता है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अफेक्ट होगा पोलियो से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान है उसके जनक किसे बोलते हैं। तो भारतीय संविधान की जो जनक है वो कौन है, तो हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why snakes are friends to farmer, यानी जो सांप होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो किसान के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं, फार्मर के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं। तो इसका रीजन है कि जो सांप होते हैं वो चूहे खाते हैं, they eat rats. ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया इज कॉज बाय द बाइट ऑफ, यानी मलेरिया किसके काटने से होता है। तो हम जानते हैं कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो होती है, जो मच्छर होता है एक फीमेल एनाफ्लीज, उसके काटने से क्या होता है, ये डिजीज होता है। इस डिजीज का नाम क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया डिजीज किसके काटने से हुआ है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। ओके तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ एडी व्यास, टीम मैथ्स, एंड वेलकम टू द सीएलसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज द सॉल्यूशन वीडियो फॉर द क्लास 5। फॉर द क्वेश्चन 51, इफ अ बोट ट्रेवल्स अबाउट 5 किलोमीटर इन 1 आवर, यदि एक नाव 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के में कितना समय लेगी। तो देखो इसको कैसे करोगे, अपने पास में दिया हुआ क्या है, फर्स्ट थिंग इज दैट ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 आवर। तो 15 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करेगी, तो ये हो गया 1 किलोमीटर की, आप यूनिटरी मेथड अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी 1/5 आवर। और फिर पूछा अपने को 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड यूनिट इज आवर। 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 3 टाइम, तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उस नाव को कितना टाइम लगेगा, 3 आवर। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन, कि आपके पास में कोई भी एक वस्तु होगी उसका क्षेत्रफल किस में मापा जाता है। तो देखो मापने की इकाई जो अपने पास में होगी वो होगी स्क्वायर यूनिट्स। सपोज कि अपने पास में कोई भी एरिया है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेंथ उसकी होगी, ब्रेथ उसकी होगी, लेंथ की अपने पास में कोई एक यूनिट होगी, ब्रेथ की भी आपके पास में कोई एक यूनिट होगी। सपोज कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर यूनिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया, हिंदी में बात करें तो आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई में। तो सेंटीमीटर केवल एक लेंथ की मेजरमेंट हो जाती है, एक साइड में हो गई, एक ही डायमेंशन की हो गई, मीटर भी एक ही डायमेंशन का होता है, और घन इकाई आपके पास में आ जाता है किसका, आयतन का, या कहते हैं वॉल्यूम।
जब तीन डायमेंशन मिलेगी तो घन हो जाएगा, दो डायमेंशन मिलके वर्ग इकाई हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 53, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, यानी कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको चाहिए। तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, पांच बार आप क्या लिख दोगे, नौ, ये हो गया 99,999, एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट नंबर आपके पास में क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर की बात करेगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपके पास में 100, और इन दोनों के बीच का आपको पूछा है डिफरेंस यानी कि अंतर। तो इसमें से आप माइनस कर लो तो आंसर हो जाएगा 9, 9, 9 - 1 = 8, 9, और ये 9, तो हो जाएगा 99,899, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट 10 o'clock, यानी कि 10 बजे, ठीक है, घड़ी की सुई द्वारा 10 बजे किस प्रकार का कोण बनता है। तो ये आपके पास में एक घड़ी होती है, यहाँ पर 12, 11, ये 10, और ये क्वार्टर पे आ जाता है 8, जस्ट 12 के सामने 6, अब आपको बजाने कितने हैं 10, तो जो आवर एंड होगा वो होगा 10 o'clock पे, और मिनट एंड होगा वो होगा 12 o'clock पे, और सेकेंड हैंड भी कहाँ पर होगा, 12 o'clock पे। अब इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना बनेगा, जब अगर ये 9 के ऊपर होता तो ये एंगल बनता आपका 90 डिग्री, अब 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से पहले ही ये एंगल बन जा रहा है, तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री से कम, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 1/2 हाफ ऑफ 32, 32 का 1/2 क्या है, तो ऑफ की जगह आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन, 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 32, तो 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, आंसर हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 56, 100 lakh इक्वल्स टू 100 लाख, तो देखो 100 lakh आपको लिखना है, तो ये हो गया 100 और लाख के लिए आपके पास में 5 डिजिट और हो जाएगी, तो देखो कितना हो गया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh, और ये 100 lakh, तो ये कितना हो जाता है, 100 lakh इज इक्वल्स टू, अभी आपको बताना है कितना हो गया, 1000, तो 1000 तो बहुत कम है, 1 lakh तो ये तो खुद ही 100 lakh है, तो 1 lakh होगा नहीं, 10,000 भी आपके पास में होगा नहीं, तो बचा क्या, 1 crore, तो इसकी वैल्यूज को आप काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, और ये crore, तो 100 lakh मीन्स आपके पास में आंसर आ जाता है 1 crore, तो आंसर हो जाएगा 1 crore। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक अधिक कोण का माप आपको बताना है कि इनमें से अधिक कोण का माप क्या है। तो देखो अधिक कोण होता क्या है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री के बीच में, 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा 90 से कम और 0 से बड़ा, तो वो हो जाता है क्या, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, और 90 से बड़ा यानी कि 90 से तो आ जाएगा बड़ा, 90 से ग्रेटर, और 180 डिग्री से स्मॉलर, तो वो एंगल कौन सा हो जाता है आपका, एक अधिक कोण का माप हो जाता है। तो 90 और 120, 180 के बीच में कौन सा एंगल है, 85 है, तो ये 90 से छोटा है, तो ये तो कौन सा हो गया आपका, एक्यूट एंगल। 95 डिग्री, ये 90 से बड़ा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री, इसको आप कहते हैं राइट एंगल, समकोण, और 60 डिग्री, ये भी आपका एक्यूट एंगल है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 95 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 58, 2/5 of 100 इज, यानी कि 100 का 2/5, 2/5 निकालना है, तो 2/5 ऑफ 100, तो 100 का 2/5 हो गया, 2/5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 से 100 चला जाएगा 20 टाइम, और 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 22 हो जाता है
40, तो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसका जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ आपको दे दी है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ ब्रिथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल आपको बताना है, तो क्षेत्रफल किसका लगेगा, आयत का। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रिथ। लेंथ हो गई आपके पास 5 और ये 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एरिया आ गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 टू हो जाता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ पेंटागोन। एक पेंटागोन में कितने एंगल होते हैं, तो पेंटागोन देखो पंचभुज, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपके पास में पंचभुज, ठीक है। पंचभुज में कोणों की कितनी संख्या होती है, तो देखो पंचभुज होगा आपके पास में जिसमें 5 भुजाएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही एंगल उसमें होंगे, तो 5 ही एंगल यहां पर होंगे, तो एंगल के बारे में पूछा, तो एंगल कितने हो गए 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया साइड मल्टीप्लाई बाई साइड या फिर भुजा मल्टीप्लाई भुजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग का परिमाप और जिसमें उसकी भुजा उसकी साइड कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड या फिर 4 गुणा भुजा, तो जो भी साइड दी हुई है उसको इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 4 = 20, आंसर इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स, 1 kg झींगों का मूल्य 150 रुपए है, तो 1 kg प्रॉन की कॉस्टिंग कितनी है, ₹150। द कॉस्ट ऑफ 5 kg प्रॉन्स, यानी कि 5 किलो झींगे की वैल्यू पूछा है, तो 1 किलो की दी हुई है, 5 किलो की निकालनी, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 750 रुपीज, ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, यानी कि 1/8, कितने 1/8 हम लेंगे यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास में क्या बन जाए, 1/4 बन जाए, तो ये जो बॉक्स आपने खाली छोड़ा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1/4, 1/8 ट्रांसपोज करोगे, स्थानांतरण करोगे, तो क्या हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल आप इधर ले लोगे 8/1, अब ये हो गया 8, 1/8 = 8/4, 1 = 4, 4 से कैंसिल आउट कर दोगे, 4 × 2 = 8, यानी कि 2 1/8 आपको चाहिए ताकि अपने पास में क्या बन जाए, 1/4 बन जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पर भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक आयत का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ये यहां पर एक सीरीज चल रही है 5, 10, 15, 20, तो इसके आगे वाला जो नंबर है वो क्या आएगा, तो यहां पर देखो 5 का गुणज चल रहा है, 5, 10, 15, 20, तो आगे वाला नंबर आपके पास में कितना आएगा, 20 के बाद में 5 और एड करोगे तो 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक सीरीज चल रही है 5 की टेबल ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 67, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको लेंथ बताना है रेक्टेंगल की, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू व्हाट हुज एरिया इक्वल्स टू 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि आयत का आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे दिया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो एरिया इक्वल्स टू 352, तो एरिया क्या होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 352। अब देखो यहां पर क्या क्या दे दिया, एंड बी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, बी दे दिया यानी कि इसकी चौड़ाई आपको दी गई है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, ब्रिथ कितनी हो गई 22 = 352, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 352 को आप किससे भाग कर दोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा इधर इक्वल में भाग में, तो 22 से जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 22 × 1 = 32, और 22 × 1 = 32, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी,
16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अपने पास में सेंटीमीटर में चल रहा था, तो इसकी लेंथ किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो आंसर हो गया आपके पास में 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, और 68 में कहता है 70 पैसे इज पार्ट ऑफ 1 रुपी, कि 75 पैसा 1 रुपये का कितना भाग है। तो 1 रुपये का भाग निकालना है, तो देखो 1 रुपये में, अब भाग के बारे में पूछा है, तो 1 रुपये में आपके पास पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे। और 75 पैसे की इसकी वैल्यू पूछी है कि 75 पैसे इसका कितना भाग है, तो 75 पैसे को आप डिवाइड कर दोगे 1 रुपये से, ठीक है। तो 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप रेशियो या फिर भाग निकालोगे तो वो विदाउट यूनिट आता है, ठीक है, उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, ये 75 अपॉन 100 किससे डिवाइड हो जाएगा? 25 से। 25 3 जा 75 और 4 जा 100, तो 75 पैसे 100 पैसे का कितना भाग है? 3/4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम पूछा है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास में यहाँ पे चलती है, जब भी दो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से ही या तो डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है, दो ही उसके पास में फैक्टर होते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो वही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 70, और ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य यानी कि जिसका अभाज्य संख्या है, मतलब कि जिसका दो फैक्टर होंगे, अभी अभी अपन ने डिस्कस करा था, या तो 1 या फिर नंबर खुद। अब यहां पर वही आपको नंबर देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर आपके पास में होंगे। 3 देखो, 3 के पास में दो ही फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से। 5 है, या तो 1 से या फिर 5 से। 7 है, तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से ही डिवाइड होगा। दो दो फैक्टर हो गए, और वो दो फैक्टर कौन कौन से? या तो 1 है या फिर नंबर खुद है। अब बच गया आपके पास में 4, तो 4 को देखो कौन कौन डिवाइड करता है? 1 तो करेगा ही करेगा, 2 भी उसको डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा। तो नंबर खुद और 1 के अलावा एक और फैक्टर आपके पास में है 2, यानी कि जो 4 है वो क्या होता है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, यहां पर भी आपके पास में एक सीरीज है कि ये हो गया A1, दूसरा नंबर आ गया B2, तीसरा आ गया C3, चौथा आ गया D4, यानी कि दो सीरीज यहां पर चल रही है। आगे वाला नंबर पूछा है, पहला चल रहा है आपके पास में अल्फाबेट ABCD, तो आगे वाले में कौन आएगा? E। फिर देखो 1-1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो इसके आगे वाला नंबर कौन होगा? E5। फिर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का कौन मल्टीपल है, तो 3 की टेबल से कौन डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखो 5 में डिवाइड जाता नहीं है, 10 में जाता नहीं है, 7 में जाता नहीं है, तो किस में जाएगा? यहाँ पर 3 है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, 3 बन जा 3, फर्स्ट मल्टीपल 3 का कौन होता है? 3 खुद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 73, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? जब भी अपन नंबर पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य, छोटी भाज्य संख्या, जो यानी कि उसके दो फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर भी होता है। तो देखो नंबर अपने पास में चलता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 को ना तो अपन प्राइम नंबर में लेते हैं, ना ही कंपोजिट में लेते हैं, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर 2 से शुरू हो जाता है, 2 के पास में खुद के ही फैक्टर होते हैं 1 और 2, 3 के भी पास दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 3, 4 के पास हो जाते हैं 1, 2 और 4। तो इसके पास में देखो पहला ये कंपोजिट नंबर आपके पास में आ जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25, 25 का कौन गुणक नहीं है, यानी कि 25 को कौन डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये यहां पर पूछा गया। तो देखो कौन कौन है, 5 25 को डिवाइड कर सकता है, 1 25 को डिवाइड करता है, 25 25 को डिवाइड करता है, लेकिन 35 ऐसी संख्या है जो 25 को डिवाइड नहीं करती। अब डिवाइड क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 25 तो हो गया छोटा नंबर और 35 हो गया बड़ा नंबर, तो छोटे नंबर को बड़ा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता,
ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 75, द पेरीमीटर, आपको पूछा है परिमाप ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, इट्स वन साइड इज, अब आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया, तो वर्ग का परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर, तो देखो क्या हो गया, तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर क्या होता है इसका, चार गुणा भुजा, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, इसकी साइड आपको पूछी है लेकिन आपको उसका पेरीमीटर दिया गया है, और पेरीमीटर कितना है 36, तो 4 मल्टीप्लाई साइड किसके इक्वल हो जाएगी 36 सेंटीमीटर की, तो आपको साइड की मेजरमेंट पूछी तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अ हैज टू एंड पॉइंट, यानी कि ऐसा क्या है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं, तो देखो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में दो अंतिम बिंदु होते हैं, लाइन सेगमेंट मतलब कि उनकी कोई ना कोई फिक्स मेजरमेंट अपने पास में यहाँ पर होती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, या जो भी यूनिट आपके पास में दी गई होगी, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट होती है, दो एंड पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए होते हैं, लाइन क्या हो जाती है जो दोनों तरफ से उसको अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मन में आए वहां तक जितनी जरूरत है वहां तक, पॉइंट क्या हो जाता है, सिंगल एक डॉट अपन ने बना दिया तो ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा, तो ये तो लाइन का कंसेप्ट है ही नहीं। फिर आ जाता है रे, रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड में एंडलेसली ये बढ़ता रहता है, तो ये हो गया रे का कंसेप्ट, ये हो गया लाइन का, ये हो गया डॉट का, और ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, तो देखो दो एंड पॉइंट कहां पर हुए, लाइन सेगमेंट में हुए, रेखाखंड में हुए, तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सेक ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इफ इट इज वे 9 केजी, इफ वन कॉइन वे 9 ग्राम, 5 रुपए के सिक्के की एक बोरी में कितने सिक्के हैं, देखो 5 रुपए के सिक्के आपके पास में दिए गए हैं और कहता है कि एक सिक्के का भार कितना है, तो एक कॉइन ऑफ रुपीज 5 और इसका वेट कितना हो जाएगा 9 ग्राम आपको दिया है, और कहता है कि 9 किलोग्राम में, कितने में, 9 किलोग्राम की बोरी में, 9 किलोग्राम की बोरी है तो आपके पास में ऐसे कितने सिक्के होंगे, तो देखो एक सिक्के का वजन है 9 ग्राम और टोटल आपके पास में कितना हो रहा है 9 केजी, तो बड़ी मात्रा को ये हो गया आपके पास में 9000 ग्राम, 9 केजी को आप कितना कह सकते हो 9000 ग्राम, और 9 ग्राम से आप इसको क्या कर दोगे डिवाइड, यूनिट से यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी, अब ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1000, तो उस बोरी में आपके पास में 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए 1000, ठीक है। फिर है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 78, सीमा हैड रुपीज 5 एंड स्पेंड रुपीज 2.50 फॉर अ पेंसिल, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हर, सीमा के पास 5 रुपए है, 2.5 रुपए वो एक पेंसिल पे खर्च कर देती है, तो 5 रुपए थे, 2.5 रुपए खर्च कर देती है, तो मैं 5 रुपए को 5.00 रुपया कह सकता हूँ, कितने रुपए उसने खर्च कर दिए 2.50, तो माइनस कर लोगे तो उसके पास में कितने रुपए बच गए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाता नहीं है, इससे क्या लेगा एक हासिल लेगा, तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट की जगह आप पॉइंट रखोगे, और ये कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो अब उसके पास में कितने रुपए बच गए 2.5 रुपए उसने खर्च कर दिए, 2.5 रुपए उसके पास में बच गए, तो ये उसके पास में लेफ्ट मनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, the cost of a table fan is rupees 3,250. एक टेबल फैन की, टेबल पंखे का मूल्य आपको दिया गया है, कितना है, एक टेबल फैन की जो कॉस्ट है वो आपको कितना दे दिया 3,250, कितने की वैल्यू पूछी है 5 की, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 16,250, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा 16,250। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अ डॉट रिप्रेजेंट, अभी अभी अपन ने देखा क्वेश्चन अ डॉट रिप्रेजेंट, कि एक जो डॉट अपन ने बना दिया वो किसको
रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो डॉट अपन ने बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु, क्या बोलेंगे, बिंदु या फिर पॉइंट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, आयतन। आयतन से क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो देखो घन है तो घन का आयतन क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो जो भी साइड दी हुई है उसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देना है। 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, और हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, घन सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला, 1 घन सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6, एक नंबर आपको दे दिया 4, 3, 8, 2, 6, 9, 1, 6, 0। अब इसमें बताने हैं 6 के स्थानीय मान, तो देखो 6 कहां कहां पर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसका स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू, ये है टेंस पे, दाहिकांक है, और ये है आपका 10,000 पे, 10,000 पे है। ठीक है, तो अब इनमें क्या पूछा है कि मानों के गुणनफल को, तो इनके स्थानीय मान क्या क्या हो जाएंगे, 6 का स्थानीय मान 10 है तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60,000, दोनों को आप गुणा करोगे, तो दोनों को गुणा करने पे देखो मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 0 कितने हो गए, 4 0 ये और 1 0 ये, 5 0 हो गए, और इसको किससे डिवाइड करना है, 1000 से भाग देना है, तो 1000 से भाग दे दो, तो 3 0 से 3 0 चले गए, आंसर कितना बच गया, 3600, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3600। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹50, 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी है, ₹50 है, तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹50, ₹500 में कितने लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है, तो उसको आप क्या कर दोगे, 500 लीटर की वैल्यू पूछी है तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 लीटर की कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्टिंग आपके पास में आ जाएगी कितनी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 0 कितने रह गए, 3, तो कितने रुपए लगेंगे, अच्छा, ये देखो क्या कहता है कि ₹500 में कितने लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है, तो देखो ₹50 में आप कितना लीटर लोगे, 1 लीटर, यहां पर हम ₹1 की वैल्यू निकालेंगे तो ₹1 में कितना लीटर आ जाएगा, 1/50 लीटर, यानी कि 1 लीटर का 50वां हिस्सा। अब आपको पूछा है भाई मेरे को तो ₹500 का तेल डलवाना है, कितने आ जाएंगे, तो 1 लीटर का ₹1 में आ गया 1/50, तो ₹500 में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे, 500, तो 0 से 0 चला जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, कितना बच गया, 10 लीटर, तो कितने लीटर पेट्रोल आप ले सकते हो, 10 लीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, अभी अभी अपन ने एक क्वेश्चन निकाला था उसी में ही बात करी थी, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होती है, घन इकाई। आयतन की बात करोगे 3 डायमेंशन वहां पर होगी तो वो घन में चला जाएगा, ठीक है, घन इकाई की बात करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 और 4 इन द फॉलोइंग आर, निम्न में से संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से भाज्य है, ये है संख्या, ठीक है, संख्या जो 3 तथा 4 से विभाज्य है, तो 3 और 4 दोनों से होना चाहिए, तो देखो 3 का जो नियम है क्या कहता है कि अंक जो भी नंबर दिया गया है उनके अंकों को आप ऐड कर दो, और 4 क्या कहता है कि जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उसमें आप डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक, अब देखो 1 by 1 चलते हैं, तो एक तो है 1312 और 2612, तो यहाँ पर देखो ये 3 से भाग जाएगा क्या, तो सभी डिजिट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 1+3 4 हो गया, 4+1 5 हो गया, और +2 7 हो गया, तो 7 में तो 3 का भाग जाता नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट के पास में आप जाओगे तो इसमें एक नंबर है 4449, तो इसका आप 3 से चेक कर लो, 4+4 8+4 12 और 12+9 21, ठीक है, तो 21 3 से
डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको चेक करना है 4 से भी, तो 4 के लिए देखो लास्ट की जो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 9924, तो 9924 सम ऑफ डिजिट्स करो तो 9 + 9 18, 18 + 2 20 और 20 + 4 24, तो 24 3 से डिविजिबल होता है। फिर लास्ट की जो दो डिजिट है 24 4 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है 6 टाइम, तो ये तो नंबर हो गया 3 से और 4 से डिविजिबल। अब साथ ही साथ ये भी होना जरूरी है, तो देखो 1536 नंबर को, नंबर में जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, 1 + 5 6 + 3 9 और 9 और 6 15, तो ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट की जो दो डिजिट है 36 वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर भी 3 और 4 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 3-4 से डिविजिबल हो गया और ये नंबर भी 3-4 से डिविजिबल हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट वाला देख लो, ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही तो नहीं है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पहला नंबर है 2700, तो लास्ट की दो डिजिट 00 है तो 4 से तो डिवाइड जाएगा जाएगा। 3 का देखो, इन दोनों को ऐड करो, 2 + 7 कितना हो गया 9 + 0 + 0 9 ही रहेगा, तो 9 में 3 से भी डिवाइड जाता है, तो इस नंबर में तो 3 और 4 का डिवाइड जाएगा। फिर दूसरा नंबर है 3700, तो नंबर को ऐड कर लो, 7 और 3 10 + 0 + 0 करोगे तो 10 ही आएगा और 10 में 3 से डिवाइड नहीं जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपके पास में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, सीधा सीधा मल्टीप्लाई आपको पूछा है कि 111 × 111, 111 का 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 111 इस 111 को मैं क्या कह दूंगा, 100 + 10 + 1, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी मैंने, विस्तारित रूप 111 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 111, ये और 20 आ गई, 111 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1110 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 111, इन सबको क्या करना है, ऐड करना, ये हो गया 1 2 3 2 1, कितना हो गया 12321, तो 12321। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, देखो क्या कहता है, राजू स्कोर्ड 16 marks of 25, 25 में से राजू को कितने नंबर मिले, 16 अंक प्राप्त किए, इसका भिन्न रूप है, तो देखो नंबर कैसे मिलेंगे, 16 मिले हैं कितने में से, 25 में से, तो इसका भिन्न रूप निकालना है, तो कितना हो गया 16/25 हो गए, तो 16/25 यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर है 88, द वर्ड सेंट मीन्स, सेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, हंड्रेड, फ्रैक्शन या डेसिमल। अब देखो सेंट आप यूज करते हो परसेंट में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा परसेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत, यानी कि हर 100 के ऊपर, जैसे मैंने कह दिया कि किसी को 70% मिले हैं, तो 70% का मतलब क्या हो गया, उसको 100 में से 70 नंबर मिले हैं, तो जो भी है सेंट का मतलब, परसेंट का मतलब क्या हो गया, हर 100 के ऊपर उसका कितना मान है, तो प्रतिशत, तो प्रतिशत में आप शत का यूज करते हो, शत का मतलब क्या होता है 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 100 से मतलब होता है पर 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि सर्कल के एक वृत्त के चारों ओर की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसका परिधि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन सर्कल की डेफिनेशन में हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे, ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं परिधि। एक सर्कल के चारों तरफ की जो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की जो भी ये अपन ने डिस्टेंस कवर करी है, ये क्या होती है, इसकी परिधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, आई एम अ नंबर, कि मैं एक ऐसी संख्या हूं, किस किस के बीच में है, 660 और 665 के बीच में, तो 660 और 665 के बीच में देखो कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 661, 662, 663, 664 और 665 लेना नहीं है, इनके बीच में लेना है। आई एम डिविजिबल बाई 3, और वो जो संख्या है वो किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है लेकिन 6 से नहीं, तो 3 से भाज्य देखो कौन कौन सी हो जाएगी, अभी अपन ने नियम देखा था संख्याओं का
में जो अंक है उनको ऐड कर दो, 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता, 6 और 6 12 और 2 14, 14 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 6 और 6 12 और 3 15, तो इसमें 3 का भाग चला जाता है। इसके लिए भी चेक कर लो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 16 और 16 में 3 से डिवाइड नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पर 663 है, इसमें 3 का भाग जाएगा लेकिन 6 का भाग नहीं जाता। 6 का भाग क्यों नहीं जाता, 6 का भाग देख लो, 6 के लिए क्या होता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो वो 6 से भी विभाजित होती है, तो ये 3 से तो विभाजित है, क्या ये 2 से है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है। लास्ट में अपने पास में क्या क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 8, इनमें से एक भी संख्या यहाँ पर यूनिट डिजिट पे नहीं है, तो इकाई का अंक अपने पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 663। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट्स, पिक्टोरियल एक ग्राफ होता है आपका, प्रतीकों का उपयोग करके आंकड़ों का सचित्र निरूपण, ठीक है, जो अपन ने यूज करा होगा कि जैसे यहाँ पर कह दिया कि एक के क्लास में, यहाँ पर मैंने कह दिया 5th क्लास है, 6th क्लास है, 6th क्लास में सपोज कि हम ये स्माइली का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक स्माइली का मतलब क्या हो गए, 5 स्टूडेंट हो गए, तो इस तरीके से जो अपन ग्राफ बनाते थे उसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ कहते हैं, है ना। तो प्रतीकों का उपयोग करके आंकड़ों का सचित्र निरूपण किसको कहा जाता है, चित्रलेख, ठीक है, क्या हो जाएगा, चित्रलेख। अब दंड आलेख में तो अपन इस तरीके से यूज करते हैं, ये रेक्टेंगल यूज किया जाता है, पाई चार्ट में सर्कल का कंसेप्ट होता है, और इनमें से कोई नहीं तो कोई, तो ये हो गया चित्रलेख और क्या हो गया, पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, सिंपल एडिशन करवाया है, तो देखो 1.10, 2.10 और 3.10 कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया, 3 और 2 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्रुप डेटा, समूहीकृत आंकड़े होते हैं, प्रत्येक समूह कहलाता है, यानी कि वो समूह है क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, कलेक्शन ऑफ डेटा आंकड़ों का समूह, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समूहीकृत आवृत्ति बंटन। अब देखो समूहीकृत आंकड़ों में, समूहीकृत आंकड़े इस तरीके से दिए होंगे, सपोज कि एक क्लास का डेटा अपने पास में है कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ प्राप्तांक मिले हैं, 0 से 10 के बीच कितने लोगों को मिले, मान लिए 2 को मिले, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों को आए, तो मान लिए 5 बच्चों को है, 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, मैंने कह दिया यहाँ पर कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ठीक, और इनको अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में कहते हैं इसको बारंबारता या फिर आवृत्ति, बारंबारता या फिर आवृत्ति, यानी कि उसमें कितने बच्चे हैं या जो भी डेटा है कि भाई उस पर्टिकुलर वर्ग अंतराल में कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं। तो देखो अब यहां पर क्या पूछा, समूहीकृत आंकड़ों में प्रत्येक समूह है, तो ये आपके पास में ये है ग्रुप 0 से 10 का, 10 से 20 का या 20 से 30 का, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला, क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी जिसके बारे में ये कहता नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा भी ये नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा तो सब कुछ ही है, कलेक्शन ऑफ डेटा अपने पास में है, ठीक है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समूहीकृत आवृत्ति बंटन ये नहीं है। आगे चलते हैं, अ डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, यानी कि कोण मापने में क्या प्रयोग होता है, तो कोण मापने में पैमाने का प्रयोग नहीं होता, यानी कि रूलर का आप यूज नहीं कर सकते, इससे हम केवल और केवल मेजरमेंट कर सकते हैं, भाई कोई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। विभाजन, विभाजन जो आपके पास में एक प्रकार की तरह होता है जिसमें दोनों तरफ नोक होती है, ठीक है, जो जिसको अपन कहते हैं पॉइंटर, तो दोनों तरफ लोहे की नोक होती है, तो ये उससे भी आप एंगल का मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है प्रकार, तो प्रकार से भी आप एग्जैक्ट निकाल तो लेंगे, लेकिन जो कुछ एक पर्टिकुलर है जिनके बारे में अपन देख सकते हैं, जैसे 15 डिग्री से 0 हो गया, 15 हो गया, 15 का मल्टीपल हो गया, है ना, तो उनको आप मेजरमेंट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कोण हो सकता है, तो कोई भी कोण आप चांदी की सहायता से लेके 0 से 360 डिग्री के बीच में
जो आप एक स्टैंडर्ड जो चंदा यूज करते हो, जो प्रोटेक्टर यूज करते हो, उसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक का आप एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके पास में आधा डी होता है जिसको आप डी कहते हैं, है ना, यहाँ पर होता है 0 से लेके 180 तक, या इधर 0 लिखा होता है 0 से लेके 180 तक। क्यों? क्योंकि एंगल इस तरीके से भी बन सकता है, या फिर इस साइड में भी उसका जो एंगल का ओपनिंग है इस साइड में भी हो सकता है, या फिर इस साइड में भी हो सकता है। तो इस साइड से यूज करोगे तो 0 इधर से काउंट करेंगे, इस साइड से यूज करेंगे तो 0 इस साइड से काउंट होगा। तो दोनों तरफ से 0 से लेके 180 के बीच में होता है। तो इस चांदी की सहायता से हम 0 से लेके 180 डिग्री तक का कोई भी एंगल अपन माप सकते हैं, और जब इसका डबल आ जाएगा तो उससे 360 डिग्री तक का एंगल हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटेक्टर चांदा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द 12th मल्टीपल ऑफ 16, 16 का 12वां गुणज। तो 16 का 12वां गुणज निकालना, गुणज है तो 16 को 12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 192। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 96, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का व्यास पूछा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपको दे दी 7 सेंटीमीटर, अब क्या पूछ लिया उसका डायमीटर, यानी कि व्यास पूछ लिया। और हम जानते हैं क्या कि जो डायमीटर है वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। तो ये जो जितनी भी त्रिज्या दी है उसका क्या कर दो? दुगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97, द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर पूछा है यानी कि एक आगे वाला प्रतिवर्ती, ठीक है, तो इसका प्रतिवर्ती पूछा है 93,99,999, इसके एक आगे वाला नंबर पूछा है, तो प्लस कितना कर देंगे? 1, 9+1, 10, ये कैरी, कितना आ गया? 94,00,000। तो आंसर कहां पर है? 94,00,000, ये इसका आगे वाला नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, Which among the following are twin primes? निम्न में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होगा? 2 का होगा। तो देखो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल है, 37 और 31 का डिफरेंस कितने का होता है? 6 का होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ट्विन प्राइम है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो उनका अंतर कितने का चाहिए होता है? 2 का। 7 और 11 ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? तो 11 में से 7 के कितने बच गए? 4, तो ये भी नहीं होगा। 13 और 11 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का, तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 7 और 3 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा? 4 का, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12, इन तीनों नंबर का क्या निकालना है आपको? योग निकालना है। तो 7/12 + 8/12 + 12/12 लघुतम आपका सेम रहेगा, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर हैं सभी सेम है, तो जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 15 15 और 12 27/12। तो 27/12 यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास में 27/12 नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? ये हो गया तुम लोगों के पास में एक अनुचित बिंद, जिसको आप क्या कहते हैं? इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 12 का भाग दोगे 27 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और कितना बच गया? 2 सही 3/12। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। फिर है उसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू आर कॉल्ड, सभी बिंद जिसका मान समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिसका मान समान होता है उसको क्या कह दोगे? समतुल्य बिन, इक्वलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सपोज मेरे पास में बिन है 3/4, इसके तुल्य बिन क्या निकालोगे? या तो इसका मल्टीपल होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाता है? 3 × 6/4 × 8। तो ये और ये, इन दोनों का मान समान होता है, इसमें चाहे 3 को 4 से भाग कर लो या फिर 6 को 8 से भाग कर लो, तो संख्यात्मक मान होगा वो दोनों का सेम होगा, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर समतुल्य बिन। एंड दैट इज आवर द वीडियो सॉल्यूशन फॉर द DTSE। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।